कि जब लॉकडाउन लगा था तो जितने प्रवासी मजदूर आ रहे थे दिल्ली से यूपी से, तो उनकी साइकिलों को छीन के रख लिया यूपी गवर्नमेंट ने, एक अहाते के अंदर दिखा रहा है वो, और इस वक्त उन साइकिलों को नीलाम किया 19 लाख रुपए में। ये साइकिलें किनकी थी जरा बताओ? अरे बोलो किनकी थी साइकिलें? वो मजदूर जो दिल्ली उल्ली में काम करते थे लॉकडाउन में, वो साइकिल लेके निकले, जैसे यहां से भी है कि नहीं, साइकिल खरीद के बनवा के 1000-1200 में लेके निकले, उन सारे साइकिलों को जब्त किया उन्होंने और आज नीलामी लगी 19 लाख रुपए में। رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وفي موضع آخر فأولئك هم الكافرون میرے عزیز طلباء मोहतरम साजदा कराम, यौम जुम्हूरिया है आज हमारा, बनाया हुआ कानून हमारे ऊपर नाफिज किया गया। हम सारा मुल्क इस खुशी में हुआ कि डूबा हुआ है। भीमराव अम्बेडकर का नाम बार बार जबानों पे आता है, लेकिन सही बात यह है कि उस वक्त जितने जमहूरी मुल्क थे और जमहूरी आहिंग थे, उन सबको उन्होंने जमा किया और उन सबको मिला के एक मुश्तरका आहिंग को है कि एक नहीं तालीम किया और उसी पे हिंदुस्तान का आहिंग करार दे दिया गया। लेकिन आप जरा उससे ऊपर उठिए, आप आलमी नबी के आलमी उम्मत हैं, आलमी नबी के आलमी उम्मत हैं। दुनिया के अंदर जो भी तर्ज हुक्मरानी रही है या रहेगी, अब तक जो तर्ज हुक्मरानी मतलब वजह की गई इंसानों के जहनों में जिसको गढ़ा और बनाया है, उन्होंने सबसे अच्छा उसमें जमहूरियत को माना है। लेकिन फलासफा रोकला कहते हैं कि जमहूरियत शुरू में चंद दिनों तक जमहूरियत रहती है, चंद सालों तक, उसके बाद फिर ये डिक्टेटरशिप बन जाती है, फिर आवाम जिसको चाहे उसको नहीं ला सकती, वो जो चाहते हैं वही आते हैं। जैसा आप मुशाहदा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत अच्छी बात है, लेकिन क्या आवाम जिसको लाना चाह रही है कुर्सी पर, क्या वो आ पा रहे हैं? कौन आ रहा है? फिर वो एक खसूसी तबका है, एक तबका है, हमारा तबका है, वही तो आते हैं। और जिस तबके को आवाम लाना चाह रही वो भी नहीं आ पा रहा, जो तबका गढ़े हुआ है सब कुछ जमाए हुआ वही आ रहा है। तो कहां जमहूरियत और कहां वोट का असर है या नहीं? तो यही के फलासफा ने कहा था कि जमहूरियत शुरू में कुछ दिन तक जमहूरियत रहती है, उसके बाद फिर क्या बन जाती है? वो डिक्टेटरशिप बन जाती है, जो चाहते वही आएंगे, हम ना उनको हटा पाएंगे ना ला पाएंगे। बस समझ में आई? तारीख के औराक आप खंगालेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा जो तर्ज हुक्मरान मिलता है वो आदिल बादशाह हो, क्या हो? आदिल बादशाह हो, फिर बादशाही का निदाम वो सबसे अच्छा माना गया है। एक बादशाह 50 साल लेता है, 60 साल लेता है, खुद हिंदुस्तान के सरजमीन पर अकबर 50 साल, शाहजहां 50 साल, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ने 50 साल, अरे बोली थे कि नहीं थे? तो बादशाह इंसाफ वाला हो, मुनसिफ हो, आदिल हो, और फिर नहीं सबसे अच्छा तर्ज हुकूमत यही माना जाता है। वरना फिलहाल इसको जो देखने में आता है कि जो आता है कुर्सी पर वो कंगाल होता है और जब जाता है तो वो माला माल होता है। दौलत आती कहां से मेरे अजीज? यही आवाम की दौलत तो है, यही आवाम की दौलत तो है। अभी देख रहा था परेड के ताल्लुक से, तो उसी बीच में एक न्यूज आ गई कि जब लॉकडाउन लगा था तो जितने प्रवासी मजदूर आ रहे थे दिल्ली से यूपी से, तो उनकी साइकिलों को छीन के रख लिया यूपी गवर्नमेंट ने, एक अहाते के अंदर दिखा रहा है वो, और इस वक्त उन साइकिलों को नीलाम किया 19 लाख रुपए में। ये साइकिलें किनकी थी जरा बताओ? अरे बोलो किनकी थी साइकिलें? वो मजदूर जो दिल्ली उल्ली में काम करते थे लॉकडाउन में, वो साइकिल लेके निकले, जैसे यहां से भी है कि नहीं, साइकिल खरीद के बनवा के 1000-1200 में लेके निकले, उन सारे साइकिलों को जब्त किया उन्होंने और आज नीलामी लगी 19 लाख रुपए में।
वो साइकिलें लिखी है। तो ये हुक्मरान तबका है, आवाम का खून चूसता है। आप जरा इससे ऊपर उठिए और आगे चलिए और ये दिल में आज़म हो कि ये सारी जो कानून है, चाहे वो जमहूरियत हो, सेकुलरिज्म हो, डिक्टेटरशिप हो, ये सारी चीजें बौनी है, लेकिन छोटी है, नाकिस है। जब तक इस जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं होगा, तब तक इंसानियत को अमन और चैन और सुकून नसीब नहीं होगा। ये तय है, ये कानून बनेंगे 10 साल के बाद फरसूदा होंगे, अगले साल फरसूदा हो जाएंगे। इस जमीन पर अल्लाह का कानून ही नाफिज होगा तो सारे इंसानियत को उस पर क्या मिलेगी? अरे बोलिए, कामयाबी मिलेगी, फलाह मिलेगी, लेकिन नहीं, और सबको तरक्की का मौका मिलेगा। कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी, वायत तो मैं सबको मुजरिम करदान देती है कि अल्लाह ताला के नाजिल करता हुक्म के खिलाफ अगर फैसला करेंगे तो क्या है बोलो? अरे बोलिए, काफिर है, जगह है गालिबन, फासिक का लफ्ज है। तो ये हमारा आखिरी पड़ाव नहीं है, दोराह की एक मंजिल है। इंशाल्लाह इसके आगे चलेंगे और लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि जमीन अल्लाह की है, इस पर अल्लाह ही का कानून सुटेबल है। इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसान पर ही नाफिज करना, ये कहां की अकलमंदी है? बस ये तो इस्लाम का जो तसव्वुर है उसको आपके सामने रखता हूं और हमारे इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान है वो जो कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी एक नक्शा आपके सामने खींच देता हूं। ये दो काम करके अपनी जगह लूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की आमद से पहले मुसलमानों की हुकूमत रही 700 साल, 800 साल, मुख्तलिफ खानदानों की रही। तबली खिजली वंश आया, तुगलक आए, लेकिन नहीं, फिर मुगल आए, ये सब अलग अलग खानदान आते रहे। हुक्मरा लोग थे, अफगानिस्तान से आए, कहीं कहीं से आए, उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक इससे खिदमत की, इससे फायदा उठाया। अल्लाह ताला की ये जमीन थी, अल्लाह मौका देता गया। उसके बाद फिर यहाँ अंग्रेज आए, लेकिन नहीं, अंग्रेजों को वो है कि 200 साल के तकरीबन मुद्दत यहाँ है। उसके बाद फिर हमारा मुल्क बकौल हम सब के आजाद हुआ और हुक्मरानी हमारे हाथ में आई और वो है कि फिर ये चीज चलती आगे चल रही है। ये है वो है कि यहाँ की तारीख हिंदुस्तान की मोटा मोटी कही है। तो हिंदू अंग्रेजों के आने से पहले, मुसलमानों के भी आने से पहले यहाँ जो कानून नाफिज था वो मनुस्मृति का कानून था। मैंने उसमें पढ़ा है, तर्जुमा देखा है उसका, बिल्कुल ऐसा साफ लगता है। आप इंशाल्लाह वहां तक पहुंचे और पढ़े कि किसी एक इंसान ने अपने मफाद के लिए कानून वजा करके दीन के नाम पर लोगों को थोप दिया है। कानून खुद से बनाया, अल्लाह का बनाया हुआ कानून ये नहीं हो सकता कि उसके उसके अंदर ना इंसाफी है, अदल नहीं है, मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है, सबको हुकूक नहीं दिए गए। इसका मतलब कि वल्लाह कानून नहीं है। एक खास तबके ने बड़ी होशियारी और अय्यारी से उसको मरतब किया और फिर मजहब का रंग में रंग के उसको मजहब के नाम पे थोप दिया गया और मजहब के नाम पर सब लोग उस पर क्या रहे, अमल करते रहे। उसमें जो उन्होंने बनाया है, जो फार्मूला पेश किया है कि भगवान ने अपने जिस्म से इंसानों को बनाया और जो दिमाग है, दिमाग उससे ब्राह्मणों को बनाया, लिहाजा ब्राह्मण वेद की किताबों को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, तालीम और ताल्लुम उसी के हवाले होगा। दूसरा कोई भी वेद की किताब न पढ़ सकता है न पढ़ा सकता है। वेद मतलब अल्लाह की भेजी हुई किताब, उनके अकीदे के मुताबिक वो श्रुति थी, यानी ऋषियों मुनियों ने उसको सुना है आसमान से आवाज गैबी के तौर पर। वो एक अंग्रेज था जो खास तौर पर एक ब्राह्मण का शागिर्द बना और उसने उसकी हर शर्त मानी। उसके बाद उस ब्राह्मण ने उस अंग्रेज को वो बताए, फिर उसने उसको लिख के उसको छापा, तब वेद गुआ की किताबी शक्ल में आए, वरना सीना बसीना ही मुंतकिल हो रहे थे। यही लोग पढ़ाते थे और अपने काबिल शागिर्दों को फिर आगे मुंतकिल होने के लोग तलकीन किया करते थे। तो वो कानून जो था ये जो रखे हुए थे छुपा कर, किसी को बताते नहीं थे और ये मुख्तस कर लिया था कि ये सिर्फ ब्राह्मण के जाति के लोग ही इसको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, दूसरे जाति के लोग अगर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो वो हस्त तजावुज करेंगे और अगर शुद्र पढ़ लेता है तो उसके कान में सीसा पिघला कर डाल दिया जाएगा। अल्लाह की किताब सबको पढ़ने और समझने की इजाजत अरे बोलिए नहीं थी। तो लिहाजा ब्राह्मण किससे बना, उनके भगवान के दिमाग से। उसके बाद बाजू और सीने से भगवान ने क्षत्रियों को पैदा किया, जो राजा बनेंगे, क्या बनेंगे, जो राजा बनेंगे, सिर्फ सलार बनेंगे, फौजी बनेंगे और पूरे लोगों की हिफाजत करेंगे, तो वो क्षत्रिय कहलाए।
भगवान ने अपने पेट से कुछ लोगों को पैदा किया जिसको वैश्य कहते हैं, जो ताजिर होंगे, बनिया होंगे, गल्ला बेच करेंगे, ये सब काम वो करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। और पांव, भगवान ने अपने पांव से जिन लोगों को बनाया वो शुद्ध रहे और वो पूरे जिस्म की खिदमत करेंगे। ये तकरीबन 50-60% आबादी शुद्ध थी यहां की। खूब गौर से सुनिएगा, ये आर्यन लोग यहां के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। यहां की जो मेन आबादी वो शुद्रों की है, उन्हें को उन्होंने क्या बना दिया, पांव बना दिया और उनसे उन्होंने खिदमत ली और उसको मजहब के नाम पे थोप दिया उनके ऊपर। इस तरह से उन्होंने बांट दिया। क्या किसी, जरा आप सोच सकते हैं, कोई आसमानी किताब या अल्लाह का ये हो सकता है कि किसको दिमाग से और किसी को बाजू से और किसी को पेट से, किसी को टांग से। लिहाजा इस फलसफे के मुताबिक शुद्रों पर जुल्म होता आया है कि नहीं, पूरी तारीख शाहिद है। आप शायद आपको पढ़ने को ना मिले, लेकिन हमने जिन साजा से सुना है, जो किताबें पढ़ी हैं, उसके अंदर यह है, आज भी गया कि इनके अंदर है कि शुद्र लोग किसी भी इबादतगाह में दाखिल नहीं हो सकते, कि भगवान की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा लगता कि भगवान भी छू जाएंगे, इनको छुआ जाएंगे। आप भी देखिएगा, महसूस कीजिएगा, इनकी आबादियां गांव से दक्षिण की तरफ बसाई गई क्योंकि दक्षिण की हवा बहुत कम चलती है। इनका यह अकीदा था कि शूद्रों के जिस्म से हवा लगकर हमारे जिस्म में न लग जाए, वरना हम नापाक हो जाएंगे। तो ये गांव के बाहर दक्षिण की तरफ इनकी पुरानी जहां भी बस्ती होगी, दक्षिण की तरफ चमार पट्टी होगी। देखिएगा, नई आबादी जहां बस जाए वो अलग बात है, लेकिन पुरानी जो आबादी चमार पट्टी की होगी, कहां, उस गांव से दक्षिण की तरफ होगी। गांव के अंदर रहने का इनको अधिकार नहीं था कि काम करेंगे, बेगार करेंगे, इनको सिर्फ खाने भर का मिलेगा और शाम को ये बस्ती छोड़ के बाहर चले जाएंगे। वो तस्वीर दिखाई उन्होंने, उस जमाने में शुद्रों के गले में मिट्टी का एक घड़ा बंधा रहता था, उनको जमीन पर थूकने का हक नहीं था कि जमीन पर ही थूकोगे, वरना किसी ब्राह्मण का पांव पड़ेगा तो बहुत पाप लगेगा। लहजा इसमें थूको, मिट्टी का बर्तन गले में बांधे फिरते थे, पांव में चप्पल जूता पहन के नहीं चल सकते थे लोग, पैदल पांव चलते थे, और इनके कमर पर एक मोटी झाड़ू बंधी होती थी कि इनके चलने के बाद इनके आसारे कदम को वो झाड़ू मिटाती चले कि इनके कदम पर किसी ब्राह्मण या ऊंची जात के आदमी का पांव ना पड़े। इस तरह 50% आबादी को इतना नीचे कर दिया था इन लोगों ने। बात समझ गए, कहां थूकते थे, बच्चे गले के अंदर मिट्टी का बर्तन उसमें थूकते थे, इनके कमर पर झाड़ू बंधी होती जो इनके, और पहनने के लिए सिर्फ 2 इंच की लंगोटी बांधते थे जिस्म पर बस, और पहनने का वस्त्र इनके पास था ही नहीं। और तो सतले गलीन छुपाती थी, विश्राम लगा रहा और थोड़ा सा ठुकने तक वो भी, और दिन भर इन्हीं बड़े जाति के लोगों के खेतों में ये काम किया करते थे। आज भी कटनी पिटनी करने वाले नौकर चमारी है कि नहीं। इस तरह इन्होंने यहां की आबादी के साथ ये जुल्म किया, और उसके बाद अल्लाह ताला यहां इस मुसलमानों को लेकर आया और इस्लाम मसावी मजहब लेकर आया, मसावी हुकूक लेकर आया। मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध के अंदर आए और उन्हें सबको मसावानिया हुकूक दिया और सबको पढ़ने की आजादी दी। तो मैं कहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान तो बहुत पहले मुसलमान ही लेकर आए थे। सब लोग पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान लेकर मुसलमान आए। कहा कि हर इंसान जो पाक हो उसको पढ़ सकता है, छू सकता है, देख सकता है और इनकी तालीमात पर अमल करेगा क्योंकि उसके अल्लाह की किताब है। तो ये मसावात लेकर हम यहां आए। जब हमने यहां खिदमत की, लोगों को सीधे रास्ते पे लाया, अल्लाह ने हमें मौका दिया, जब हम गाफिल हो गए और हम ही अपने मजहब से गाफिल गफलत बरतने लगे, है नहीं, दीनदारी में सुस्ती करने लगे, दुनियादारी में चुस्ती करने लगे, तो अल्लाह ताला ने फिर दूसरे कौमों को मौका दिया। बात समझ में आ रही है, जब तक हम काबिल थे अल्लाह दूसरों को मौका नहीं दिया। खैर, उस पर आज बात नहीं करनी, आज बात करनी है कानून पर। तो इंसान का बनाया हुआ कानून इंसान पर नाफिज होगा तो कभी भी अदल और मसावात और इंसाफ नहीं कर पाएगा। जो भी तबका उसको बनाएगा वो अपने तहफ्फुज़ात बाकी रखेगा, अपने हुकूक ज्यादा रखेगा दूसरों के मुकाबले में। इनका अजीब है कि सारा ज़कात, सारी खैरात और सारा दान सब ब्राह्मण लेगा और सबसे श्रेष्ठ भी वो रहेगा। यह है कि नहीं फार्मूला अजीब सा। इस्लाम आया, उसने कहा सैयदात पे ज़कात हराम है, जो सैयद होगा वो ज़कात नहीं ले सकेगा, खैरात नहीं लेगा, अरे बोले सदका नहीं लेगा, है कि नहीं। लेकिन हमारे इनके यहाँ की जितनी ज़कात होगी, जितनी खैरात होगी, जितना इस साले सवाब का माल होगा, सब ब्राह्मण ही लेगा, चाहे वो कितना करोड़पति ही क्यों ना हो। गरीब भी का कोई मरता है तो उससे भी इतना पैसा निकाल लेते हैं कि उसको एक आध कट्ठा जमीन बेचनी पड़ती है। तो ये इस्तेहसाल है कि नहीं, बोलो।
तो अल्लाह ताला को इस्तेसाल पसंद नहीं। अब तरह से आपके सामने मुझे ये बात रखनी है कि इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसान के लिए उतनी अदल और मसावात और इंसाफ काम नहीं कर सकता जितना कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून नहीं। कभी भी इंसान की तबीयत आमादा नहीं होती है नहीं कि वो अपने ही जैसे इंसान को अपना हाकिम माने। क्यों माने तुमको हाकिम भाई? तुम्हारे पास भी दो कान दो आंख दो टांग दो हाथ, मेरे पास भी उतनी चीजें, तुमको हाकिम मानो तो मानो क्यों? तुम्हारे अंदर सुरखात के क्या पर लगे कि तुमको हम हाकिम मान ले? ये इतराज आज भी है सब लोगों का नहीं, और मुनसिफ मिजाज लोगों का कि इंसान इंसान पर हाकिम नहीं हो सकता। और अरब के अंदर ये था कोई किसी का कहने गुलाम मातहती में नहीं सब आजाद। लिहाजा इनका फार्मूला कि इंसान का बनाया हुआ कानून इंसान पर ये ज्यादा मुनासिब नहीं है। इस्लाम का जो तरीका है वो क्या है? ये सुन लो, तुम जो पढ़ते हो रात दिन उसको सुन लो कि असल इंसान अल्लाह के कानून को नियाबत के तौर पर जमीन पे नाफिज करने वाला है। असल हाकिम अल्लाह है, कानून उसी का चलता है, हुक्म उसी का चलता है। ये इंसान का कानून नहीं है बल्कि उसके कानून को इंसान दुनिया में नाफिज करता है। लिहाजा सारे इंसानों का खालिक कौन है? अल्लाह है। मालिक कौन है? अल्लाह है। अला लहुल खल्क वल अम्र, ठीक है नहीं, पैदा उसी ने किया और इख्तियार उसी को है कि वह हुक्म दे। तो लिहाजा अल्लाह की ही कानून को जमीन पे नाफिज किया जाता है। इसीलिए खलीफा कहा जाता है, जो बादशाह होता है उसको बादशाह नहीं कहा जाता। खलीफा मतलब वो किसी का जानशी है, उसके कानून को नाफिज कर रहा है। तो ये इस्लाम का तरीके हुकूमत और ये फलसफा है कि इंसान इंसान पर हाकिम नहीं है बल्कि इंसान पर अल्लाह हाकिम है, और उसका बनाया हुआ कानून इन पर चलाने के लिए जमीनी तौर पर ये इतने नामजद किया गया। बस समझ आई? अरे बोलो, समझ आई? अल्लाह का कानून इंसानों पर नाफिज करना है और उसके लिए जानशी के तौर पर ये लोग हैं। ये खुद हाकिम नहीं है, हाकिम असल कौन है? अल्लाह है। ये फर्क है। और जब अल्लाह का कानून नाफिज होगा तो सारे छोटे बड़े सबके लिए इंशाल्लाह इंसाफ होगा, सबकी तरक्की होगी, सब आगे बढ़ेंगे और सब खुशहाल होंगे। हम सब अल्लाह ही के बंदे तो हैं। अरे बोलो, सब अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है? क्या शुद्र अल्लाह का बंदा नहीं? क्या हिंदू अल्लाह का बंदा नहीं? क्या ईसाई अल्लाह का बंदा नहीं? अरे बोलिए, ये मुशरिक अल्लाह के बंदे नहीं? सब अल्लाह के बंदे हैं, उसके बनाए हुए। तो क्या अल्लाह इनके साथ इंसाफी करना पसंद करेगा? अल्लाह हमारे हाथ में बागडोर देगा, हमारे हाथ अल्लाह ताला खिदमत का मौका देगा, हम इंसाफ की शमा रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। सबकी खिदमत करेंगे, किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। अभी तकरीर करने इख्तिवाज था कि दहशतगर्द वो है जो मुसलमानों को कत्ल करे। मैं कहता हूँ दहशतगर्द वो है जो इंसानों को कत्ल करे, दहशतगर्द वो है जो इंसानियत की इज्जत लूटे। सिर्फ मुसलमान उसमें नहीं, इंसानों के इज्जत से खिलवाड़ करने वाला दहशतगर्द है, उनको कत्ल करने वाला दहशतगर्द है नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए कि ये जमहूरियत आखिरी पड़ाव और आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो राह की गर्द राह है, हमें और आगे चलना है और पूरे इंसानियत को अल्लाह के अहकाम से मुतारफ कराना है और उनके ऊपर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है ताकि सारी इंसानियत फलाह पा जाए। सहाबा कराम ने यही काम तो किया था। अरे बोलिए, अल्लाह के हुक्म को अपने कंधे पे लेके चले हैं और पूरी दुनिया पर जो उस वक्त आबाद दुनिया थी वहां तक पहुंचे हैं और इस कानून को नाफिज किया है। और जो ताकतें रुकावट बनी हैं उन ताकतों को रास्ते से हटाए कि नहीं हटाए, चाहे वो कैसर क्यों ना हो, किसरा क्यों ना हो, नजाशी क्यों ना हो और मिस्र का मकूकस क्यों ना हो, जो भी इस रास्ते में हायल हुआ उनको इन खाना बदोश बंदों ने रास्ते हटाया कि नहीं हटाया? हट जाओ रास्ते से, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज हो जाने दो। बस आ गई। तो हमें इसके लिए दुआ करना है, कोशिश करनी है, तगदौ करना है और दिल में रखना है कि अल्लाह ताला हमें मौका देगा तो हम इंसाफ की इंशाअल्लाह शमा रोशन करके दिखा देंगे। इन्हीं के दिल में लिए बैठे हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम नहीं लिया आप सल्लम ने और ना आपके जानशीनों ने, हमेशा माफ फरमाया है, हम भी इंशाअल्लाह माफ फरमाएंगे और इंसाफ की शमा रोशन करेंगे। अदल मसावात तरक्की इसकी पूरी एकदम धूम मचा देंगे, सब तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद उनको सही बात समझ में आएगी और अल्लाह के तरफ से हमारे जिम्मे जो काम है उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक नसीब फरमाए कि हम इसी को अपना पड़ाव न समझें, इसी को ये मंजिल न समझें, ये रास्ते का एक ठहराव है, हमें और आगे चलना है और अपने मुल्क को और आगे लेके चलना है, इसे तो अभी इस्लामी मसावात का गहवारा बनाना है इंशाल्लाह। और ये मुल्क ऐसा है यहाँ हर किस्म के बाशिंदे, हर मजहब को मानने वाले, हर जबान को बोलने वाले मौजूद हैं। यहाँ अपनी खिदमत अगर हम पेश करते हैं और अल्लाह का कानून नाफिज होता है नहीं, तो इंशाअल्लाह ये पूरे आलम के लिए एक नमूना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मुल्क की खिदमत के लिए हम कल पीछे थे ना, इंशाअल्लाह आज हम पीछे रहेंगे, है कि नहीं। हाँ, गर्दन हम कटाएंगे और जब फायदा हासिल करने का मौका होगा हम दूसरे को बढ़ा देंगे, तुम ले लो राशन, तुम ले लो पैसे, तुम ले लो। हम तो वो कौम है नहीं, जो सिन्ना सिपर रहने वाली है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत दिखा दी है, जंगे बद्र में जंगे मुबारजत के लिए आपने किसको बढ़ाया देख लीजिए, कौन है बढ़ने वाले, हजरत हमजा है कि नहीं है, हजरत अली है कि नहीं है, जो आपके खास रिश्तेदार है कि नहीं है। और माले गनीमत बांटने में क्या कहा कि अली पहले आओ या हमजा पहले आओ, अरे बोलो, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। गर्दन कटाने में आगे हम रहेंगे, दुनिया से फायदा उठाने में पीछे हम रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा कादरों का सेवा भी रहा, हम इसी पर गामजन रहेंगे। जब भी मुल्क को जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान लेके हाजिर हैं, मनफायद का मसला आएगा तो हम इंशाअल्लाह पीछे रहेंगे, अल्लाह से मांगेंगे अपना हक। ये क्या देंगे, ये खुद ही फकीर है, कल्लाश है, डकैत है, क्या है, इनके पास है क्या, नहीं देंगे, इनका पेट तो खुद ही इतना बड़ा है कि बचता नहीं एक पैसा, ये किसी को क्या देंगे। इनके सामने इंसाफ की भेंट मांगना, इनसे अपना हक मांगना, ये बेवकूफी है। हम देंगे इंशाअल्लाह इनको, ये हमें क्या देंगे, हमें जो देना होगा लेना होगा हम अल्लाह से लेंगे, हमारे हम पर जो जिम्मेदारी है हम वो अदा करेंगे, मुल्क की हिफाजत की हो, मुल्क की सालमियत की हो, मुल्क की खिदमत की हम करेंगे, अपना जो हक होगा अल्लाह से हम मांगेंगे। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया है कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी हो वो अदा करो और जो तुम्हारा हक है वो अल्लाह से मांगो। बात समझ आ रही है नहीं, कि हुक्मरान तबका किसी को क्या देगा, ये तो अपनी अपना ही पेट और अपना खजाना भरने के लिए हाकिम बनकर आते हैं, ये थोड़ी कोई खिदमत करने के लिए आते हैं। अरे बोलो, नीचे से लेकर ऊपर तक, वार्ड से लेकर चल जाओ मंत्री तक, ये सब अपने ही पेट पूजा करने के लिए आते हैं, वो तुम्हें क्या देंगे। हाँ, जिम्न में कुछ मिल जाता तो मिल जाता, वरना हकीकत के तौर पर देने के लिए नहीं आते ये लोग। एक वार्ड जीतता है तो अपना कोठी बनाते कि नहीं बनाता, तो फिर ये पूरा हुक्मरान जो सिस्टम है यही क्या है, करप्शन। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आएगा वही तर्स पे चलेगा कि 10 लाख लगा के हमने इलेक्शन जीता है तो कम से कम 10 लाख वो निकालना है, अगले इलेक्शन के 10 लाख और बचा लेना है, उसके बाद बीच में नफा कमाना, आवाम आवाम जाए चुन भाव में, जितना खर्च किया उतना निकालेंगे, पहले अगले इलेक्शन के लिए खर्चा निकाल कर रखेंगे, उसके बाद जो बीच में नफा कमा लेंगे और आवाम कहीं जाए तो वो तो है ही नहीं सिस्टम के अंदर कि आवाम के लिए, वो तो हमारे अकाबिर ने भी सिखाया और हमारे हुजूर ने भी सिखाया है कि हाकिम के पेट पे पत्थर होगा और राया के घर में खुशहाली होगी, हाकिम के पेट पे पत्थर होगा और राया घर में क्या होगी, खुशहाली होगी, उनके आंगन में चूल्हा जलेगा और हाकिम का चूल्हा बुझा हुआ होगा। ये हमने अपने रसूल से सीखा है और यही तालीम हम देते हैं दूसरों को। आखिर में अपनी बात करके मैं खत्म करता हूँ। शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बार बार आता है, उनका जो नसब है हजरत फारूक आदम से मिलता है, किससे मिलता है, हजरत फारूक आदम से मिलता है। तातारियों का जो हमला हुआ नहीं बगदाद पर, तो वहां से जो खानदान हिजरत करके निकले हैं उनमें से इनके खानदान भी है और आकर ये लोग हिंदुस्तान में आबाद हुए हैं, और हमेशा इनका वतीरा रहा कि सरहदी इलाके में लोग बसते थे और मुल्क को उस सरहद के खतरनाकियों से बचाते थे, जो हमला आवर से उससे डरते थे। तो जिहाद हमेशा से शाह वलीउल्लाह दहलवी के पूरे खानवादे का क्या था वतीरा, सबसे बड़ा मुजाहिद उन्हें कहा जाएगा, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा दिया था कि फरंगी के फौजों में भर्ती होना हराम है, उनको अपने जान बिल्कुल दाव पे लगा के फतवा दिया था। हम भी उस जुरात का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह, पहले ही हवा हवाई खाली फारिग नहीं करेंगे, जब मौका आएगा तो अपने जुरात का इजहार करेंगे, तो जम जाएंगे, उसके लिए जान जाए तो जाती है तो जाए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक नसीब फरमाए। अजीजों, आप भी इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, हम लोग बूढ़े हुए पता नहीं रहेंगे न रहेंगे, लेकिन आपको ये करना है, इस मुल्क को संवारना है, इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसका हक अदा करना है, इसके साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। चंद शिद्दत पसंदों को यहाँ का
हाकिम कुल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंसाफ की फिजा हो, अदल हो, है कि नहीं, सारे अल्लाह के बंदों को खाने पीने की चीजें मैसर हो, सब तरक्की करें, सब आगे बढ़े और अपने रब को पहचाने, ये हमारा काम होगा इंशाअल्लाह। हम किसी से कोई इंतकाम न कभी लिए न कभी लेंगे इंशाअल्लाह। वो तुम्हारा जर्फ था, ये हमारा जर्फ है कि तुम हाकिम बनते हो तो ये करते हो और हम हाकिम बनते हैं तो हम है नहीं माफी का हम दरिया बहा देते हैं, हम ये कह देंगे वो तुम्हारा जर्फ था, ये हमारा जर्फ है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मैंने सिर्फ एक बात आपके गोशे गुजार की, क्या कि ये जमहूरियत आखिरी पड़ाव नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है, इसके आगे जहां और भी है, हमें और आगे चलना है और अपने मुल्क को एक इस्लामी कानून और इस्लामी आइन का तारुफ भी कराना है, और अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज भी करना है इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम उस मुल्क के मफाद के लिए काम करें, और अल्लाह ताला ने कहा ही है कि तुमको तो निकाला ही गया है कि तुम लोगों के फायदे के लिए काम करो, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, नहीं तुम्हें पैदा ही किया गया है लोगों के फायदे के लिए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम लोगों के फायदे के लिए कुछ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह।